अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम सब भी ठीक हैं। और आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स वेजिटेबल। ये मैंने वेजिटेबल काटी है, इसमें मैंने आलू, मटर और गाजर और ये थोड़े से मूंगरे जो हैं वो डाले, और फिर कभी प्याज जो हैं वो ऑयल डाल के मैंने कुकर में रखा है। और मैं ये बहुत ही जल्दी से बनाऊंगी, बहुत इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगेगा। बहुत झटपट जो है वो रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत ही आसानी से बहुत इजी रेसिपी दूंगी आपको आज, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो प्याज ज़रा ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन करने हैं बस मुझे। और इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट डाला था। अजान स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मैंने वीडियो वहाँ पे नहीं ऑन की। अब मैंने इसमें दो टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की हैं काट कर। और अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो है वो मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक ऐड किया है। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। नमक मैंने थोड़ा सा जो है वो कम रखा है, क्योंकि इसमें मैंने अब डालना है चिकन स्टॉक, इससे फ्लेवर ज़रा जो है वो अच्छा आ जाएगा खाने का। और अभी इस मसाले में ही जो है वो मैं चिकन स्टॉक ऐड कर दूँगी। तो उसको हम निकाल लेते हैं फ्रिज से। तो ये वाला जो है मैं चिकन स्टॉक जो है वो लाई थी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये दाल में भी ऐड कर सकते हैं आप और सब्जियों में भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने चिकन स्टॉक को जो है वो तोड़ लिया है और अब मैं इसको अंदर डाल दूँगी। और ये मसाले के अंदर मैंने ऐड कर दी है एक। और फ्रेंड्स, मसाला अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें सब्ज़ी जो है वो ऐड कर दूंगी। और स्टॉक भी इसमें जब डाला तो वो मेल्ट हो गया, आराम से ही मेल्ट हो जाता है वो बिल्कुल। और मसाला ज़रा सब्ज़ी का अच्छा बना हो तो ही जो है वो मिक्स सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छी लगती हैं खाने में। और ये मैंने लास्ट के लिए धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो रखी हुई हैं, जो मैं लास्ट में गार्निशिंग करूँगी। और ये मुझे हरी मिर्चें जो हैं कच्ची वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ। तो अब मैं इसमें सब्ज़ियाँ डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जो है मिक्स सब्ज़ी मैंने डाल दी है कुकर में और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। इनका कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके के बाद मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। और भूनने के बाद जो है मैं इसे 5 मिनट की वेट लगा दूंगी। और 5 मिनट में ये जो है रेडी हो जाएंगी, सब चीज़ें जो हैं वो गल जाएंगी। और बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बाहर जो है वो जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि बाहर धरना चल रहा था यहाँ पे लब्बैक वालों का। तो उसकी वजह से हमारे ना सिग्नल्स आ रहे थे, ना ही नेटवर्क चल रहा था और ना वाईफाई के सिग्नल से। तो इसलिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद जो है मैं आज वीडियो जो है बना रही हूँ। और जब वीडियो नहीं बनाती तो ऐसे लगता है कुछ खाली खाली सा और ऐसे कुछ कमी कमी सी है। आदत हो गई अब शायद, तो खाना बनाते हुए या कुछ भी करते हुए या बाहर निकलते हुए। अभी तो खैर हम लोग 4 दिन जो है वो घर के अंदर ही पैक हो गए थे और बाहर धरना चल रहा था। और शुक्र है अल्लाह का कि वो खैरियत से ही यहाँ से उठ के चले गए हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो अल्लाह पाक उनकी भी खैर करें, वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि लास्ट टाइम 6 मंथ्स से पहले जो है वो ऐसे ही हुआ था कि वो बैठे थे और रेंजर्स और उनकी आमने सामने जो है वो शेलिंग वगैरह हुई थी, काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। तो इस वजह से शुक्र अल्लाह का यहाँ से खैर खैर से वो निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी भून कर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, साथ वाली आंटी ने जो है ये बिरयानी भेजी है, बहुत मज़े की लग रही है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और छोटी बहन ने ये सैलेड बनाया है, अब हम इसको जो है अभी देखते हैं खा कर के कैसी बनी है।
और सब्ज़ी जो है वो पक रही है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, सब्ज़ी में मैंने एक बैंगन काट के डाला है। अम्मी कह रही हैं कि एक बैंगन भी डाल दो, अच्छा लगेगा, ज़रा मसाला मसाला सा बन जाएगा। और वैसे तो कुछ लोग जो है वो साग सब्ज़ियाँ बनाते हैं, अंदर गोभी और मेथी वगैरह भी डालते हैं, तो मेथी तो नहीं मिली, तो मैं इसमें कसूरी मेथी जो है वो अभी एक चम्मच जो है वो डालूँगी। अभी इसको मैं भून लूँ, फिर इसके अंदर एक चम्मच जो है मैं कसूरी मेथी का डाल दूँगी, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं जो है वो एक चम्मच मैंने कसूरी मेथी धो ली है इसमें, अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। और ये सिर्फ एक चम्मच ही डालिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो अजीब सा ही टेस्ट आएगा उसका। तो सिर्फ एक चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी का ऐड कर दिया है, और मैं इसको अच्छी तरीके से जो है वो भून लूँगी। 2 मिनट के बाद जो है मैं इससे पेस्ट लगा दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से भून चुकी है। मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी और 5 मिनट की वेट लगाऊँगी, और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल मसालेदार सब्ज़ी बनी है। ये देखें आप, कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। और बिल्कुल आसान रेसिपी है मेरी, तो मैं तो बहुत आसान आसान जो है वो, और बिल्कुल हर चीज़ जो है वो खिली खिली है, और सब चीज़ें जो है वो गल भी गई हैं। मैं इसमें धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, बहुत मसालेदार सब्ज़ी, और इसकी स्टीम जो है वो फ़ोन पे भी पड़ रही है, और अब आपको शायद क्लियर दिख रही होगी। तो चलें फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी मसाले वाली सब्ज़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।